एक बार फिर से बहस राम पर ही आ गई ना, चाहे वो जय सिया राम हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो अब राहुल गांधी की तुलना हो राम के साथ। देखिए आदित्य जी, दरअसल बीजेपी इसलिए परेशान और हैरान है। अजय आलोक की पूरी तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने आज बैंड बजा दी और अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है। इस पर मृत्युंजय तिवारी भड़क उठे और उन्हें कहा कि अब तो बीजेपी की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है और इस पे आप भी डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात यह है, अब उनको लग रहा है कि वो राम का नाम लेकर के नैया पार करना चाह रहे थे, वो नैया भी राहुल गांधी जी और सारे लोग लेके चले जाएंगे तो ये तो डूब जाएगी इनकी नाव 24 में। दरअसल बात वहाँ है, इनकी पीड़ा को समझिए। अभी बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई गौरव भाटिया जी। अब सुनिए राजनीतिक विश्लेषण और अजय आलोक के बीच में क्या बात विवाद होता है, यहाँ तक कि अजय आलोक ने कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है। आप याद कीजिए, सोनिया गांधी के समय में इन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में एनकाउंटर के बाद सुनकर सोनिया मामू की आंखों में आंसू आ गए थे, सांप्रदायिक कुटिलता नंबर वन। आज इन्होंने फिर बड़ी आसानी से एक मुसलमान होकर राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, भाई पारसी पिता ईसाई माता का बच्चा हिंदू कहां से हो गया, कोई बता दे मुझे जरा किस शस्त्र के हिसाब से राहुल गांधी हिंदू हो गए। अब देखिए कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल ने अजय आलोक से पूछा कि स्मृति ईरानी का धर्म क्या है, वो किस धर्म से आती है, तो अजय आलोक पलटी खा गए और पूछा कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। इसके बाद उसने बैंड बजा दिया। स्मृति दुबे ईरानी कौन सा धर्म क्या बताओ अजय भाई, स्मृति दुबे ईरानी इनका धर्म क्या है, भारतीय हिंदू है। भैया स्मृति ईरानी का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, जब स्मृति ईरानी पे बात हुई तो तुमने ठेका बात कीजिए, स्मृति ईरानी बीजेपी का लिया है क्या? स्मृति ईरानी मैं एक बात आपको साक्षात बता रहा हूं, साक्षात बात से मुझे आप करेक्ट कर सकते हो कर दीजिए। आदिति एंकर के सामने ही अतुल पाटी ने अजय आलोक की पखिया ही उधेड़ दी और कहा कि आप तो कांग्रेस के सामने तो कुछ भी नहीं है, आप तो बीजेपी के कट्टर प्रवक्ता लग रहे हैं। इस पे आदिति बहुत बड़ी चुप्पी हो गई। राजनीति मत कीजिए, इस पे राजनीति मत कीजिए अतुल जी, आप हिंदू है, आपका भी अपमान है, आप भी आपका भी। तो देखा आपने कैसे अतुल पाटिल ने अजय आलोक की ऊपर से लेकर नीचे तक इंजेक्शन देकर पूरे सर से पांव तक ही झाड़ दिया। तो इस वीडियो से आपको क्या उम्मीद है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं।